हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित शौर्य सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 6% थी, जिसे हमारी सरकार ने बढ़ाकर 8.5% किया है, जिसे आने वाले समय में 20% तक करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष 1200 महिला पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मियों को कार्य करने के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, जिसमें साप्ताहिक छुट्टी और एक्स ग्रेशिया ग्रांट में बढ़ोतरी भी शामिल है। देखते रहिए चंडीगढ़ से पल पल की यह खास रिपोर्ट। तो हमने इस तरीके से पुलिस की अच्छी भर्ती की, महिला पुलिस की भर्ती की। महिला पुलिस उस समय 6% थी और अब हमारी 8.5% है। आगे अगले वर्ष में 1000 के लगभग कांस्टेबल और 200 के आसपास हमारी सब इंस्पेक्टर, 1200-1300 की भर्ती जब हो जाएगी तो हम 10% 11% हो जाएंगे। हमारी महिला पुलिस 11% पहली बार है। हमारा टारगेट है कि हम 20% पुलिस, महिला पुलिस उसमें लेकर के जाएंगे, ताकि महिलाओं की संख्या बढ़े, क्योंकि अपराध को रोकने में महिला पुलिस की अपनी एक भूमिका है। तो महिला पुलिस, बाकी सब पुलिस, इसकी ट्रेनिंग, उसकी क्वालिटी, ये बहुत बढ़िया एक मित्रवत व्यवहार करने के लिए पुलिस की जो भूमिका बनी है, इसे मैं प्रसन्न हूँ। और पुलिस में बहादुरी इस प्रकार से कैसे आगे बढ़े, बहादुर होकर के अपने काम को कैसे एक जिम्मेवारी से निभाएं, इसके लिए जो पुलिस की आवश्यकताएं हैं वो हमने सारी पूरी की। जितनी डिमांड आई वो सब पूरी की। इवन यहाँ तक के जो पुलिस हमारे कांस्टेबल किसी भी घटना में, दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो जाती है, मारे जाते हैं एक्सीडेंटली, तो उनके पहले हम 10 लाख रुपया उसका एक्स ग्रेसिया उसको पैसा देते थे, अब हमने उसको 30 लाख कर दिया। ये भी हमारा जो सुरक्षा बल का एक नौजवान है, ये निडर होकर के और आगे बढ़े। तो इस प्रकार की सब सुविधाएं पुलिस की हमने बढ़ाई हैं। पुलिस की वीकली हॉलीडे ये हमने की है, कहीं किसी और प्रदेश में वीकली हॉलीडे पुलिस की नहीं है। पुलिस के नौजवान 24 घंटे लगातार लगे रहते हैं। हम आगे चल करके इनको शिफ्ट ड्यूटी दे करके भी कम से कम 2 शिफ्ट की, ज़्यादा ज़्यादा हो 3 शिफ्ट की कभी भी ना हो, तो 1 शिफ्ट तो हमने फ्री करी कर दी है। कोशिश करके भर्ती ज़्यादा हो जाए तो हम केवल एक पुलिस की 1 शिफ्ट, ताकि 3 शिफ्ट में से 1 शिफ्ट 8 घंटे उसकी ड्यूटी रहे, बाकी दो शिफ्ट में उसकी छुट्टी रहनी चाहिए। ये भी आखिर इंसान है, तो इंसान के नाते से पुलिस जितना उनको सुविधा देंगे उतना अपने अच्छे मन से वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करेंगे।